अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो मोस्टली तो बड़ी ईद पे लोग बनाते हैं और वैसे दावतों वगैरह में बनाई जाती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगती है और आप इसे एज अ साइड डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप जब दिल चाहे बना के खा भी सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो घर में मौजूद ना हो, आराम से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर में मौजूद होते हैं तो बहुत ही मज़ेदार भी बनती है। हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बीफ पसंदे। बीफ पसंदों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने ये लिया है तकरीबन हाफ के जी ये अंडर कट ये बीफ का गोश्त है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पीस करके, इसको देखें कैसे ये क्या कहते हैं उसे, चितली है ये, देखिए इसको मैंने अच्छी तरह इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया है। इसको आप भी इतना बारीक रखें क्योंकि इसको हमने कोई प्रेशर कुकर में तो पकाना नहीं, तवे पे पकाएंगे तो इसलिए इसको बारीक ही रखेंगे तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और दूसरा ये लिया है मैंने एक कप दही ली है और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए ये मैंने दो मीडियम प्याज ली है और ये खिशखाश का जो पाउडर होता है उसको भिगो के मैंने इसको पीस लिया है, तो ये एक चम्मच ये ली है। और इसके अलावा जो चीज़ें डालूंगी वो मैंने लिया है ये चनों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये जो है ये कचरी पाउडर डाल सकते हैं या कच्चा पपीता पाउडर भी डाल सकते हैं और ये भी 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मिर्चे, वैसे मिर्चे और नमक वगैरह तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। टर्मेरिक लिया है मैंने तकरीबन 1/4 टेबल स्पून और ये मेरे पास है क्यूमिन पाउडर, जीरे का पाउडर है, ये भी है 1/2 टेबल स्पून। चलिए बनाते हैं। देखिए दही को अच्छी तरह पहले फेंट लें, अब इसमें हम ये मसाले शामिल करेंगे, सारे शामिल कर दें। ये खशखाश का भी पाउडर डाल दिया और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें ये पेस्ट बना लिया है, अब इसमें ये पीसेस बीफ के अंडर कट पीसेस डाल दें। जो मैंने दो मीडियम प्याज ली थी उनको मैंने स्लाइस शेप में कट करके इसे मैंने देखे लाइट गोल्डन कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही के डालूंगी और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी और इसका जो पेस्ट आएगा उसको मैं अपने इस मिक्सचर में डाल दूंगी और इसको फिर मैं मैरिनेट करने रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे। ये मैंने अब प्याज का और दही का पेस्ट बना लिया है, आपने दही इतनी रखनी है कि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। अब इस पेस्ट को मैं इस वाले मिक्सचर में डाल दूंगी। अगर आप इसे थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट के लिए आपने क्या करना है, जैसे हरी चटनी का पेस्ट बनाते हैं धनिया पुदीना ग्रीन चिली और नमक मिर्च डाल के उसको मिक्स कर लें और उसको भी इसमें ऐड कर लें तो तब थोड़ा स्पाइसी सा बन जाएगा। और या आप नींबू का रस भी डालें तो भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। मैं इसमें नींबू का रस डालने लगी हूँ और ये पेस्ट शामिल कर दें और इसमें साथ अब नींबू का रस डाल दें, इसका फ्लेवर मज़े का हो जाएगा। और अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दें, फिर इसका टेस्ट मज़े का आएगा और इसमें जो हमने कच्ची पाउडर डाला हुआ है वो भी तभी सही से रहेगा और गोश्त गलने के लिए सही रहेगा। वो तब जो मैंने अपना गोश्त मैरिनेट किया था 2 to 3 आवर्स के लिए उस पर उसको मैं पकाने लगी हूँ। ये मैं तवे पे पकाऊंगी, तवे पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसका पहले मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल के उसे पका लिया था और अब मैं ये पीसेस रख ली हूँ अपने और इनको अब मैं पकाऊंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से और 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से, 10 से 15 मिनट। बाकी आप देख लें, अगर आपको गोश्त कच्चा लगे तो आप इसको टाइम भी बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम कर लें या 10 से 15 मिनट। ये देखिए मैंने इन्हें पका लिया था 15 मिनट नीचे वाली साइड से, 15 मिनट ऊपर वाली साइड से, बीच में 15 मिनट बाद इनको मैंने पलट दिया था। पसंदे मेरे बिल्कुल तैयार हैं, अब मैं इनको स्मोक देने लगी हूँ। स्मोक के लिए मैंने बीच में एक स्टैंड सा रखे है, उसके ऊपर एक कोयला रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी तो इसकी जो खुशबू है वो सारे इसमें पसंदों में आ जाएगी।
उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है तो इसका धुआं, और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये देखिए जबरदस्त बीफ पसंदे तैयार हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं, खुशबू से भी बहुत मज़ेदार हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप ही ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे बने, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत सी न्यू वीडियोज़ और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।